नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गल्फ कंट्रीज से। हालांकि ये दुबई का भी यूएई का भी मान सकते हैं, बाकी गल्फ कंट्रीज में सब जगह ये जो नियम मैं बता रहा हूँ ये सब जगह लागू होता ही है। बात करते थे कि मान लीजिए कि आप 2 साल के एग्रीमेंट पे जाते हैं, चाहे आप दुबई, कतर, मस्कत, कुवैत, आप अगर इंडिया से जॉब के लिए जाते हैं, किसी भी देश के में जॉब के लिए आप वहाँ पे जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, तो भाई 2 से 3 साल का आपका एग्रीमेंट होता है। कई कंपनियाँ 3 साल का कर लेती हैं, 2 साल का मैक्सिमम मिनिमम एग्रीमेंट आपका होगा। उस दौरान आपको कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, देखा होगा कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन सी? कि आपको 1 साल के बाद जॉब छोड़ना पड़े, 1.5 साल के बाद जॉब छोड़ना पड़े, यानी आप पूरे 24 महीने जॉब नहीं करना चाहते। रीजन चाहे कोई भी हो, आपको बीच में घर आना है, आपको कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, आपको कंपनी छोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसमें छोड़ के दूसरे में चले जाएं, उस दौरान आपके साथ क्या हो सकता है, किस तरह से आपका प्रोसेस रहेगा, उससे हम डिटेल से पूरी बात आपको बताऊँगा कि अगर अग्रीमेंट को बीच में छोड़ देते हो आप तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रतिबंध आप पे लगेगा, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। देखिए बात बता दूं मैं आपको, 24 महीने का आपका अग्रीमेंट है, आपने 16 महीने से, 18 महीने से, 12 महीने से अग्रीमेंट आप छोड़ रहे हो। कई बार क्या होता है, आपने कंपनी को बीच में छोड़ दिया, सुनने की बात है। कई बार आप कंपनी को इस्तीफा देने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं कंपनी काम नहीं करना चाहता, कई बार आप कंपनी छोड़ के फरार हो जाते हो, ऐसा सुनने में आता है। फिर कंपनी का मालिक आपके साथ क्या करता है, क्योंकि उसने आपके वीज़ा पे इन्वेस्ट किया है, जो भी 6-7 हज़ार दराम, जो भी रियाल वगैरह जितना भी खर्चा आता है वो आपके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए। अब 2 साल से पहले भैया कंपनी से निकलोगे तो लॉस तो उसको होता है, तो फिर वो नहीं चाहता कि उसको लॉस हो, तो आप वहाँ से फरार होके दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो। पासपोर्ट भी मान लीजिए आपके पास है, वहाँ से आपने अप्रूवल नहीं लिया, NOC नहीं लिया कंपनी से, फिर आप भाग गए, तो आपके खिलाफ वो क्या कर सकता है, कंपनी या कंपनी का मालिक। कंपनी का मालिक श्रम मंत्रालय से फिर आपके खिलाफ कंप्लेन करेगा। वो देखिए कंप्लेन आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा कॉपी, आपका जो भी एविडेंस उसके पास होगा वो वहाँ पे कंप्लेन करेगा कि ये बंदा मेरे से भाग गया है, इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, इसको 1 साल 2 साल के लिए बैन किया जाए। जी हाँ, या ये भी मांग कर सकता है कि भाई ये इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली होता है कि आप मुझे पैसा दीजिए क्योंकि उसका इन्वेस्ट हुआ। कई बार ऐसा आपने सुनने में आया ना, कंपनी बोल देती है कि आप पहले निकल रहे कंपनी से, टाइम से पहले, तो कंपनी बोलती है 2,000 दराम दो, 4,000 दराम दो, ऐसा सुनने में आता है। वो इसीलिए उनका वो फाइन अपनी तरफ से मांग लेते हैं कि भाई हमने आपके वीजा पे पैसा खर्च किया है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो आपको ब्लैकलिस्ट करवा सकता है 6 महीने से लेके 1 साल तक। जी हाँ साथियों, कई बार 2 साल तक का बैन हो जाता है। कि आपने सुना होगा कि भाई कंपनी से अगर आप पहले भाग के वापस इंडिया आ जाओगे तो उस देश में आप 1 साल 2 साल 6 महीने तक बैन लग जाता है, एंट्री बैन हो जाती है कि उस कंट्री में आप नहीं जा सकते 6 महीने के लिए। वो इसी रीज़न होता है कि आपका जो कंपनी है, कंपनी का मालिक है, जो नियुक्ता है, जिसने आपको वीज़ा दे के वहाँ पर जॉब के लिए बुलाया था, उसके कहने के, उसके वर्क परमिट के हिसाब से, उसका वर्क एग्रीमेंट के हिसाब से अगर नहीं चलते हो तो ये बैन का सामना आपको करना पड़ सकता है। फिर या तो आप सेटलमेंट करोगे उसके साथ कि भाई आप मुझे ब्लैकलिस्ट मत करवाओ, आप मेरे खिलाफ कंप्लेन मत दो, हम सेटलमेंट कर लेते हैं, आप उनको वीज़ा का पैसा दे देते हो या फिर उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हो, या फिर वो मान लेता है आपका कहना कि भाई चल ठीक है तू दूसरी जगह काम कर ले, तो आपको NOC मिल जाती है। तो इस आधार पर आपका बचाव हो सकता है। बाकी अदरवाइज देखिए भाई, अग्रीमेंट आपका है उसको छोड़ के आप दूसरी जगह जाओगे बिना NOC, तो कंपनी और नियुक्ता आपका मालिक है वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, वो श्रम मंत्रालय में आपके खिलाफ कंप्लेन दे सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको बिना अग्रीमेंट पूरा किए आप निकल रहे हो कोई भी परिस्थिति में, तो नियुक्ता के साथ समझौता करें, NOC लें, उसकी राजी करके ही आप निकलोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, वरना भाई आपके लिए दिक्कत और परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।